बोलने ही नहीं तो चलिए आज हम लोग जो गाड़ी का जो है डिटेल्स देने वाले हैं, आज सिर्फ दो गाड़ी हम लोग दिखाने वाले हैं। एक आप देख लो यहाँ रेंज रोवर, जो कि आप क्रेटा के क्रेटा को रेंज रोवर बना दिया गया है वो दिखाने वाले हैं, और एक आप वहाँ पे देख सकते हैं बोलेरो है उसको दिखाए। मतलब आज जो है कि दो गाड़ियों का आज हम लोग डिटेल देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का हम लोग कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए आज दो गाड़ियों की होगी। इंट्रो वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। आपको तो पता ही विनोद के ब्लॉग आप देख रहे हैं और उसमें आपको दो गाड़ियों की डिटेल्स देगी। भैया बताइए क्या डिटेल्स होगी वो बताइए। भैया देखिए ये रेंज रोवर है, गाड़ी तो आप देख ही रहे हैं, सस्ती रेंज रोवर लेकिन ब्रांड तो रेंज रोवर की है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही देगी बस, आपका कंपनी है हुंडई की है, क्रेटा है जो 1.6 है, जो टॉप मॉडल गाड़ी है, टॉप मॉडल नहीं फिर भी आपका अच्छी खासी गाड़ी है, जो आपको मेंटेन में है, ओरिजिनल कलर में गाड़ी है, ओरिजिनल कलर में। अब गाड़ी तो लुक वाइज में तो दिखने में भी लग रहा है कि आपका जीप कंपास में, लेकिन रेंज रोवर का आपका शौक पाला था कस्टमर जो लिखवा दिया है कोई मतलब आप कस्टमर रेंज रोवर नहीं ले पाए लेकिन क्रेटा लेके रेंज रोवर बना दिया। और फर्स्ट लुक में अगर कोई भी देखेगा ना तो उसको एकदम लगेगा कि भाई ये रेंज रोवर ही है। भैया देखिए बहुत ऐसा कस्टमर होता है ना भैया कि भले हम ऑडी ना चले तो अल्टो भी चल सकते हैं ना, वही सीन तो चल सकता है, वही वाला सीन है। आप देख लो कि बाइक गाड़ी की कंडीशन वगैरह एकदम A1 कंडीशन में है। किलोमीटर की बात की जाए तो क्या चली हुई है भैया? किलोमीटर देखिए 1,00,000 अप्रोक्स चली हुई है। हाँ, गाड़ी मेंटेन में है। हाँ, और ये सब गाड़ी हैवी सीसी का इंजन है, कोई इश्यू नहीं होता है, 1,00,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। और गाड़ी फोर व्हीलर है तो उतना कॉमन सा है चलना। इंश्योरेंस वगैरह होगा क्या इसमें? वैलिड है। चलिए गाड़ी की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, तो भाई गाड़ी की कंडीशन देख लो, टायर वगैरह कंडीशन कुछ इस तरह मिलता है। बाकी आप देख लो पीछे का भी टायर देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ भी कस्टमर पीछे भी रेंज रोवर लिखा चुका है, आप देख लो यहाँ क्रेटा है, पीछे ब्रांड ही क्रेटा है। आप देख लो अगर फर्स्ट लुक में कोई देखेगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो भाई वो समझ ही लेगा कि रेंज रोवर ही है। और भाई आप देख लो INDIE नंबर है, फाइनेंस वगैरह सारा कुछ इसमें होगा, सारा चीज इनबिल्ट है, म्यूजिक सिस्टम से लेके हर चीज, पावर स्टीयरिंग तक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सब ये आपका इनबिल्ट है, जो कंपनी फिटेड है, जो पावर में है। चलिए तो आप बता दीजिए भैया कीमत क्या कीमत होगी और भाइयों के लिए क्या रेट रखी गई है? देखिए दोस्तों के लिए और आपका भाइयों के लिए और व्यूअर्स के लिए सबके लिए हम आपका जेन्युइन रेट रखे हैं और जेन्युइन रेट में ही आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको बोलने का जरूरत नहीं है और अपना तो सब अपना ही है, बस आपको मार्केट में रहना है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट वाली गाड़ी, बढ़िया गाड़ी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, कीमत बताइए। कीमत है आपका 6,50,000। 6,50,000। तो भाइयों आओ, 6,50,000 रेंज रोवर की रेट रखी गई है। थोड़ा बहुत आप आते हो तो नेगोशिएबल भी आपको यहाँ से कर दिया जाएगा। कलर ओरिजिनल है, कोई तरह से डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं होगी क्योंकि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो आप देख लो यहाँ ओरिजिनल कलर है, एकदम स्क्रेच वगैरह आप ऐसे करते हो तो एकदम क्या बोलते हैं कहीं जो पहचानने का जो तरीका है एकदम आप देख सकते हो ओरिजिनल कलर वाली है। देखिए इसका स्मूथनेस बता देता है कि कलर क्या है, पेंटेड है या आपका ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली गाड़ी हमारे पास जो एक और गाड़ी है बोलेरो उसको लेते हैं और जानते हैं उसका भी क्या डिटेल्स होगी और भाइयों को वो कितने। चलिए अगली गाड़ी जो हम लोग दिखा रहे हैं बोलेरो, जो कि अच्छी कंडीशन में है, बहुत कम चली है, भैया से ही जानते हैं क्या डिटेल्स होगी। क्या डिटेल्स होगी भैया वो बताइए। भैया इस गाड़ी तो बहुत ही कम चली हुई है, इतना कम चली हुई है बोलिए भैया आप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए कैसे, ये मात्र 25,000 चली हुई है, मात्र 25,000। हाँ अब 2015 की गाड़ी है, बोल रहे 25,000 चली हुई है, ट्रस्ट किसी पे होता नहीं है, लेकिन भैया डिपेंड करता है उसका ओनर पे, ओनर किस कंडीशन में रखा है, कैसा रखा है वो तो ओनर ही बताएगा, लेकिन फिर भी ओनर इस कंडीशन में रखा है कि हम बिलीव करने लायक है गाड़ी, कहे कि ये ओरिजिनल कलर है, सारा चीज आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ भी वैल्यूएशन हुआ था, वही वैल्यूएशन के आधार पे हम बोल रहे हैं कि गाड़ी फुली कंडीशन में, मतलब कोई तरह से खर्चा वर्चा तो होगा नहीं, कोई तरह का खर्चा नहीं है। तो भाई अगर आपको लगता है कि आपको ये है प्रॉब्लम है कि 25,000 चला हुआ है, 15 की गाड़ी है, इतना कैसे चल सकता है, तो भाई ये जो भी होगा पर्सनल यूज में रखा होगा। हाँ। और खुद चलाता होगा, ऐसा नहीं क्योंकि बोलेरो का परफेक्शन ये है कि भाड़ा गाड़ी में बहुत चलता है। हाँ। तो बहुत ज्यादा चली होगी, तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग खुद का पर्सनल यूज में भी रखते हैं। नंबर की बात की जाए तो भाई नंबर देख लो, रांची रजिस्ट्रेशन नंबर है,
अब भैया बताइए इसमें क्या फाइनेंस वगैरह हो जाएगी ना? भैया फाइनेंस तो हो जाएगी बट ओनली झारखंड के लिए, ज्यादा ओनली झारखंड के लिए। अगर अदर स्टेट से आते हैं तो आपको लोकल गारंटी गारंटर देना पड़ेगा। देखिए अगर दूसरा स्टेट से आते हैं, बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं बिहार से, बहुत आते हैं कस्टमर, बोलते हैं भैया हमको चाहिए फाइनेंस में चाहिए गाड़ी, तो भैया फाइनेंस में होगा, जरूर होगा, बट आपको क्या लोकल ग्रांटर देना पड़ेगा। चलिए तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ से कंडीशन दिखाता हूँ भाई। टायर की कंडीशन देखो, एकदम अच्छी कंडीशन में, मात्र 25,000 चली हुई है। जो टायर लगी हुई है शोरूम से वही टायर है। बाकी आप देख सकते हो सारा चीज़ डोर वाइजर वगैरह लगा हुआ है। पीछे का भी टायर की कंडीशन देख सकते हो, सीएट की टायर लगी है जो कि अभी अच्छी कंडीशन में। कितनी परसेंट होगी लगे हुए? ये लगभग आपका 85% है। 85%। बाकी आप देख सकते हो बोलेरो की SLX जो कि बहुत चल, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं भाइयों, बहुत डिमांडेबल गाड़ी है, डिमांडेबल गाड़ी है, ठीक है। बाकी आप पीछे का लुक देख सकते हो, जो ये स्टेपनी है लगभग यूज हुआ है कि या फिर वैसा ही है भैया सेम? ये आपका अनयूज्ड है, अनयूज्ड है। तो इस तरह का देख सकते हो, खुला है ना इसका बूट स्पेस, बूट स्पेस बोलते हैं, इसमें बूट स्पेस रहेगा ही नहीं, इसमें बूट स्पेस नहीं होती। पीछे सीट लगी हुई थी, आप इसको फोल्ड भी यहाँ से कर सकते हो या फिर आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, तो भाई काफ़ी स्पेस इसमें होती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। चलिए इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। तो इंटीरियर आप देख लो भाई, एकदम फ्रेश कंडीशन में आपको मिलेगी। आप देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ देखो तो लेदर की कोटिंग की हुई है जो कि डबल कोटेड है। इस तरह का इंटीरियर देख, डिजिटल ऑडोमीटर यहाँ लगी गई है। बाकी आप देख लो इस तरह का आपको कंडीशन, कंडीशन की बात की जाए तो भाई एक नंबर है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी रूफ की देखो, यहाँ एकदम फ्रेश कंडीशन में रखी गई है। सीट की कवर वगैरह सारा कुछ यहाँ आपको अच्छी कंडीशन में रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हो M2 DICR की इंजन है, आपको डीजल इंजन गाड़ी है, माइलेज के लिए तो कहना नहीं, कहना ही नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं भाइयों को कीमत बताते हैं, क्या कीमत रखी गई है भैया? भैया इस गाड़ी का कीमत रखे कंडीशन के आधार पे 6,15,000। 6,15,000। तो भाइयों आओ, 6,15,000 गाड़ी भाई बहुत मेंटेन में, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऑन टेबल आइए, चेक कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपना मैकेनिकल वगैरह जो भी लाना है लाइए, उसके बाद लेके जाइए। सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी भैया किलोमीटर? देखिए मारुति की गाड़ी रहता था हम सर्विस हिस्ट्री भी दिखा देते, बट ये महिंद्रा की गाड़ी है, आपको खुद दिखना देखना होगा, मैकेनिक ला के चेक भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं, तब मैकेनिक लेते हैं, ये सारा चीज़ ट्रस्ट करके ले जाइए, देख के जांच परख करके।